नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम आपको दिखाएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सियासत किस तरह से चरम पर चल रही है। पार्टियां बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। कभी पीडीपी पार्टी से निकलकर लोग अपनी पार्टी में पहुंच रहे हैं, तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आज बड़ी खबर देखने को मिली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष और सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से किनारा कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली जाने की भी बात जो है वो सामने आई थी, लेकिन उस पर भी उन्होंने खंडन कर दिया है कि वो दिल्ली नहीं गए हैं, जम्मू में ही हैं। लेकिन जम्मू में अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें चौधरी लाल सिंह हैं, सुरजीत सिंह सलाथिया हैं, अजय सड़ोत्रा हैं, और साथ ही साथ सुरेंद्र चौधरी भी हैं, और खुद देवेंद्र सिंह राणा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इन लीडर्स की मीटिंग चल रही है, लेकिन उस बीच में देवेंद्र सिंह राणा का क्या कुछ कहना है, जरा सबसे पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद चलेंगे संवाददाता के पास, क्योंकि रिपोर्टर है तो ग्राउंड से रिपोर्टर की रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। पहले देवेंद्र सिंह राणा। मैं कोई संगठन वगैरह नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि जम्मू के हक के लिए कुछ भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए। सर, और कौन कौन से नेता आपके साथ जो इस बात के आपके साथ सहमत है, जम्मू डिक्लेरेशन की बात नहीं हो पा रही है अगर यहाँ पे? नहीं, जम्मू डिक्लेरेशन की बात क्यों नहीं होगी? होगी, जम्मू डिक्लेरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। वो जम्मू डिक्लेरेशन देवेंद्र राणा ने शुरू किया है, चाहे उसके लिए मुझे भिक्षु बनना पड़े, चाहे चपरासी बनना पड़े, मैं जम्मू डिक्लेरेशन के लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहा, और जब तक सांस रहेगा खड़ा रहूंगा और जम्मू की आवाज बनाऊंगा। लेकर ऐतराज थी क्या? मुझे नहीं मालूम किसी को कोई इतराज हो, मैं परवाह नहीं करता। सर, जम्मू के लोग इसका मतलब परवाह नहीं करते, यही कारण तो नहीं है सर पार्टी चेंज कर रहे हैं? सर, जो आप परवाह नहीं करते, क्या यही कारण तो नहीं है कि आप थोड़ा सा नाराज हैं अपनी पार्टी से? नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं, मैं एक आदमी हूँ ऐसा कोहली साहब जो किसी से नाराज नहीं होता। मैं तो नाराज ही नहीं होता किसी से, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मैंने ये और हमारे साथियों ने जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए, उन्होंने ये जरूर तय कर लिया है कि जम्मू के आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आज वक्त आ गया है कि जम्मू का एक नैरेटिव बनना चाहिए, जम्मू डिक्लेरेशन एक कोशिश है उस तरफ। मैं सबसे आपके माध्यम से ये विनती करता हूं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, हर मजहब के लोग, हर जात के लोग, हर बरादरी के लोग, हर जमात के लोग, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि जमात। मैं कहता हूं कि बीजेपी को भी करना चाहिए, बीजेपी एक प्रीमियम पार्टी है, उसको भी हमारी मदद करनी, सबको मदद। आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे अगर? मैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूं भैया। चलिए, तो आपने देखा कि देवेंद्र सिंह राणा किस तरह से चेतावनी ही एक तरफ से जारी करते हुए नजर आए हैं कि फिलहाल तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में ही हैं, लेकिन अगर मांगों को नहीं माना जाता या फिर सहमति नहीं जताई जाती बातों पर, तो कुछ भी हो सकता है। इशारों ही इशारों में उन्होंने पूरी तरह से संकेत दे दिए हैं, लेकिन शाम तक ही पिक्चर जो है वो साफ हो पाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। चलिए, अब अनिल के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे। अनिल, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो जम्मू ठीक करना पड़ेगा, जम्मू को ही साथ। राणा साहब का क्या जवाब था? राणा साहब भी चाहते हैं कि जम्मू, क्या इशारा आपकी तरफ है? इशारा आपकी तरफ है। अगर अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप ही पहले उसी पार्टी में थे, क्या ये सही डिसीजन होगा राणा साहब का? बिल्कुल नहीं। गलत इसलिए होगा कि आप बेहतर जानते हैं कि आप जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई आपने? लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए, जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान किट्ठे हो जाओ, ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किट्ठे की बात करना चाहते हैं, हम डिवाइड नहीं होने देना चाहेंगे। और कोई भी डिवीज़न करेगा तो इसका मतलब किसी को फ़ायदा देने की बात है ना, किसी और को फायदा देने की बात है। फिर सर, अगर, अगर, सर बीजेपी के पास चाहे आप थे या राणा साहब आते हैं, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम उन्होंने गलत किए हैं, लोगों में उनकी जो छवि गिरती जा रही है, आप लोगों के आने की वजह से बीजेपी फिर खड़ी, मतलब वो तो खुश हो रहे हैं। मतलब देखो सर, गल ये है कि ये तो सिंपल सी बात है, ये तो
उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे तो मेरे से तो ऐसी बात हुई नहीं। सर अगर कभी ऐसी बात हो या ऐसा नहीं होता तो क्या गलत क्या रहेगा आपका? आई एम सॉरी, आपने कहा मैं चाहता हूँ कि वो आए, तो उन्होंने क्या कहा कि वो किधर चाहते, इशारा आपकी आप चाहते हैं आपकी पार्टी में वो आए? नहीं नहीं, मेरी अभी पार्टी बात नहीं, अभी हमने बैठना है, दो चार बैठ बैठेंगे मीटिंग बैठेंगे। खड़खड़ाना चाहिए साहब, क्या पॉलिटिकल इंपावरमेंट है जम्मू? अगर बीजेपी में चाहते हैं तो वो गलत डिसीजन हो गया उनका। जम्मू की पावर जो है वो तभी हो सकती है कि जब जम्मू यूनाइट है इसके। हाँ जी, तो इस समय आप दविंदर सिंह राणा को सुन रहे थे, जिस तरह से एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी क्या भाजपा का दामन थामेंगे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ेंगे। हालांकि आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है, कहीं ना कहीं अटकलें अभी भी बरकरार जो है उनके साथ लगी हुई है। और उनका यह कहना है कि जितने भी तमाम संगठन है, चाहे वो ट्रेड से जुड़ा है, चाहे वो कोई भी संगठन से जुड़ा है, उन्होंने यह कहा है कि अब पार्टियों से परे हटके जम्मू के हित की बात की जाए, जम्मू से ही आवाज निकलनी चाहिए और जम्मू की ही आवाज होनी चाहिए और जम्मू के हितों की बात होनी चाहिए और मैं जम्मू के हितों के लिए लगातार लड़ता रहूंगा, और चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहूं चाहे फिर मैं किसी और संगठन में जाऊं। मगर अभी ये साफ नहीं किया है कि कौन से संगठन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी कहना कि जो ये बातें हैं अभी बरकरार हैं। अभी उन्होंने ये कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी साथ ही हूं, अभी कहना कि ये अटकलें जो है बरकरार बनी हुई हैं। मगर इसमें जिस तरह से बातचीत कर रहे थे हमारे साथ, आपने देखा कि एक्सक्लूसिव बातचीत में कहना कि जो तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद थे उनके साथ भी मुलाकात की है, उन्होंने कहा है कि अब जो बात होगी जम्मू के हितों की बात होगी और तमाम लोग उनसे आज तमाम दिग्गज नेता चौधरी लाल सिंह हो, चाहे वो सुरेंद्र चौधरी हो या फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें सुरजीत सिंह सलातिया हो, तमाम दिग्गज नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है और फोन पर हर्षदेव सिंह जी के साथ भी मुलाकात हुई है, फोन पर भी बातचीत हुई है। उनका यही कहना है कि अब वक्त आ चुका है जम्मू के हितों की बात करेंगे, जम्मू के हित के लिए मुझे जहां तक जाना पड़े, चाहे वो जम्मू के लिए लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं जम्मू के हितों के लिए लड़ाई जो है वो मैं लड़ता रहूंगा। ये बड़ी जानकारी जो थी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि उम्मीद कर रहे थे कि आपकी बातचीत जो है वो पूरी बातचीत जो है देवेंद्र सिंह राणा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता माने जाते हैं उनकी बातचीत जो है आपके समक्ष रख पाएं। तब तक के लिए आप बने रहे JK247 के लिए, कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ जम्मू से धन्यवाद। चलिए ये तो आपने जम्मू से रिपोर्ट देख ली, अब आपको कश्मीर घाटी लिए चलते हैं क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर दबदबा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का काफी हद तक माना जाता है। वहां पर किस तरह से अटकलें लग रही हैं, वहां पर क्या कुछ अफवाहें हैं, इस पर जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देखिए। ये पनामा है न ये पनोरमा लीक है, ये अब तेरी बारी आई जिगर थामलो वाली कहानी है और ये कहानी श्रीनगर से लेके जम्मू तक एक बड़ी कहानी बन के आ सकती है। ये देवेंद्र सिंह राणा का नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहली सेंध लगाने का मामला है और इसी मामले को लेके कश्मीर में भी सियासत खूब गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के गलियारों में मायूसी साफ दिखाई दे रही है और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला से लेके छोटे तक हर बड़ा यही कहता है कि शुरुआत हो चुकी है। हम पहले देखते थे जब PDP में इस तरह की यलगारें हो रही थी तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्वार्टर्स में कुछ कुछ खुशी भी थी और कुछ कुछ ये भी था कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब जो सेंध पड़नी शुरू हुई है उसको देख के नेशनल कॉन्फ्रेंस के गलियारों में भी खामोशी ही सही, लेकिन इस खामोशी के पीछे की कहानी ये भी है कि शुरुआत हो चुकी है, जम्मू से पहली सेंध लगने तक जा रही है और उस सेंध के बाद आगे आगे ये कश्मीर तक भी बात पहुंचेगी। कश्मीर में भी कुछ नाम चर्चा में हैं, कुछ MLAs हैं जिनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, कुछ बड़े लीडर हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की डाक बेल डालने वालों में से थे और उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि शुरुआत जब हुई है तो बात दूर तलक चली जाएगी। और इस सारे के बीच में सियासत में अपनी पार्टी की आज जीत तो हुई, लेकिन वो जीत भी किसी बड़े आने वाले फायदे की बात नहीं की जा सकती है क्योंकि जावेद मुस्तफा मीर कभी खुद लीडर बने, कभी खुद लीडर बनने के बाद लीडर
लीडर बनाए गए, कभी अपने सियासत गुपकार अलायंस इसमें देखी, और जब वहाँ पे कुछ न मिला तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला से लगभग 2 घंटे मुलाकात की, सजाद गनी लोन के पास भी गए, लेकिन आज कुल मिला के उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सियासत के ये बदलते पहलू और इन्हीं पहलुओं में सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी खबर वही है कि देवेंद्र राणा जम्मू से सेंध लगा रहे हैं, कुछ और लोग उनके साथ मिल रहे हैं, बीजेपी तो जाएंगे नहीं, अपनी पार्टी या यूं कहें एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, और उस अलग पार्टी में कश्मीर से भी कुछ को साथ लेके जा रहे हैं, और यूं शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस में फटकार या यलगार की हो चुकी है। इमरान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से दिखा देते हैं नदीम क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं। जी मेरा नाम उवैस है, मैं गुलाम वी नायकू का बड़ा बेटा हूँ। गुलाम वी नायकू सुपोर मंडी में काम कर रहे हैं एज ए व्यापारी। तो 22 तारीख को वो सुपेन गए हुए थे लेन देन के सिलसिले में, कोई व्यापारी था वो, उसके पास हमारे पैसे थे, वो लेने के लिए गया था। तो शाम 5:45 तक उसका कॉन्टैक्ट हमारे साथ रहा, फिर उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। तब से हमने अभी तक बहुत सारी कोशिश की उसके साथ कांटेक्ट करने की, तो अभी तक हमारा कांटेक्ट उसके साथ नहीं हुआ। फिर हमने सोपोर पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, जो भी ऑफिशियल थे हायर ऑफिशियल उनसे हमने बात की इस सिलसिले में कि कोई एक्शन ले जाए, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक्शन लिया, बट अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। अब हम अपील कर रहे हैं कि जो जिसके पास भी हमारा पापा हो तो उनकी जो भी डिमांड हो वो हम फुलफिल करें, बस हमें अपना पापा चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। और हम भी हायर ऑफिस एक रिक्वेस्ट करें कि वो हायर लेवल पे कोई ऐसी एक्शन ले ताकि जल्द से जल्द हमें अपना पापा मिल जाए। बात करें यहाँ पे अजबल इलाके के रहने वाले गुलाम नबी नायकू, जो अजबल के रहने वाले हैं और जो कि पेशे से एक फ्रूट ग्रोवर है, सोपोर फ्रूट मंडी में जो है अपना काम करते थे, और कुछ लेन देन का इनका कुछ हिसाब था शुपियन में। इनके घर वालों का कहना है कि इनका जो किसी के साथ कोई हिसाब था, कहना है कि वो सुबह 23 सितंबर को सुबह घर से निकले और उनको उन्होंने अपने घर वालों को कहा था कि वो आज रात के लिए शुपियन जा रहे हैं। जब इनके बेटे से बात की तो इनका कहना है कि 5:47 पर मैंने उनको कॉल की और उनका फ़ोन लगा और उनने कहा कि मैं शुपियन पहुंचने वाला हूं। उसके बाद हमने फिर दोबारा उनसे रابطہ करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल जो है तब से स्विच ऑफ आ रहा था। और अगले दिन जो है सुबह ये सोपोर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं, और तब से लेके आज तक अगर हम बात करें 13 दिन बीत चुके हैं। सोपोर पुलिस की अगर हम बात करें, सोपोर पुलिस जो है लगातार तब से जो है इसमें कार्रवाई कर रही है। हमने खुद सोपोर पुलिस से भी रابطہ किया और उनका कहना है कि हमने जो है हर जगह जो है अपने जितने भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कर रहे हैं, और इनके घर वालों का कहना है कि हम पुलिस से, हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है हमें मिल जाए। और अगर हम बात करें सोपोर फ्रूट मंडी की, सोपोर फ्रूट मंडी में भी जो है एक हफ्ता पहले सोपोर फ्रूट मंडी में भी जो है एक पुरमन एहतजाज किया गया था उनको ढूंढने के लिए। फ्रूट ग्रोवर्स की ये डिमांड है, अगर हम सोपोर फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट की बात करें, उनका कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से, हम पुलिस से बार बार यही गुजारिश करते हैं इसमें जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, गुलाम नबी नायकू उसको जो है जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उसके साथ ही आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे, आदिल डाल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर में लिए गए गवर्नर इंतजामिया के फैसले को किस तरह यहाँ के सियासी व समाजी तंजीमें ले रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर कितना काम हुआ है, कितनी तरक्की हुई और कितनी बाकी है, इस पर आज सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एडवोकेट तजिंदर सिंह ने टंगमर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किन मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, आइए आपको दिखा दें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन इशू क्या है मेरी नज़र में, जो इस वक्त बड़ा क्रूशियल है और इस वक्त गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर सीरियसली देखना होगा। आप देखें, पिछले दिनों से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट प्रॉपर्टी की इवेक्शन प्रोसेस को इनिशिएट किया है। इसमें मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस जो प्रोसेस जो आपने इनिशिएट किया है, आप इसमें एक रीलुक दे लीजिए आप इसको, कि कहीं ना कहीं रीलुक देने का मतलब ये है कि एक कहीं भी डिस्क्रिमिनेटरी ना लगे और कहीं किसी को हरासमेंट ना हो जाए। मैंने कई ऐसी एग्जांपल हैं जहां आर्बिट्रेशन की ज़रूरत है लोगों के बीच, कहीं ऐसे 30 साल से ज़्यादा पुराना मसला है जिसमें ऐसी चीज़ें हुई हैं कि पेमेंट हुई है लोगों की तरफ से और पोजेशन हैंडओवर किया गया है,
मगर आज अगर कोई डिस्प्यूट बनता है तो उसका एकमात्र हल आर्बिट्रेशन भी है। उन चीज़ों को आर्बिट्रेशन के थ्रू आर्बिट्रेटर इस्टेब्लिश अपॉइंट करके उस चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो मेरी ये है कि आप इसको एक रीलुक दे दीजिए और लोगों को एक ट्रस्ट आप में बिल्डअप हो जाए। बड़ी पुरानी मांग थी कि लोगों की कि थ्री टायर सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए। मैं इसके लिए कंग्रेचुलेट करता हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनकी विल ने वो थ्री टायर सिस्टम यहाँ लागू किया। मगर एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, 73rd अमेंडमेंट क्या यकीनन आप बता दीजिए कि फुली इंप्लीमेंट हुई है या नहीं? मैं उसमें एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि और आपको वादा भी याद दिलाना चाहूँगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि 73rd अमेंडमेंट में आपने जब आपने कहा कि इसको फुली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उसमें कहा गया कि हम PRIs को अंडर पंचायती राज एक्ट में हम इनको अलग से फाइनेंस कमीशन दे देंगे और आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। दूसरी तरफ जहां मैं इनकी DDC वालों की भी बात कर लूं, अगर वो लोग नो कॉन्फिडेंस के लिए जाते हैं, अगर उनकी विश्वास बहाली चेयरमैन या वाइस चेयरमैन पे नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस के लिए मोशन के लिए जाते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं उसको लिया नहीं जाता है। तो ये चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इन चीज़ों पर आपको देखना पड़ेगा गवर्नर इंतजामिया को कि इससे विश्वास कहीं ना कहीं लोगों का कम होता जा रहा है। अगर ये दो चीज़ें अगर आप PRI सिस्टम में अगर इस्टेब्लिश कर दें, मैं कहता हूँ बहुत हद तक ज़मीनी हालात ठीक हो सकते हैं। गुलमर्ग में हमारे जो जिनको वेन कहा जाता है हमारी गुलमर्ग की, वो है टूरिस्ट प्लेयर्स हमारे, जो जैसे पोनी वालाज हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी की तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है। बल्कि मैं आज कल मैंने गुलमर्ग का दौरा किया तो जो लोग वो टूरिस्ट गाइड या पोनी वाला जो उनके जो एलाइड्स प्लेयर हैं वो बड़ी डिग्निटी के साथ जब मैं देखता, बड़े ऑनर के साथ अपना काम करते थे, मगर आज मैं देख रहा हूँ आज इतने इनसिक्योर फील करते हैं। कोई भी टूरिस्ट जो भी उनके हाथ में देता है वह चुपचाप ले लेते हैं क्योंकि आज इनसिक्योरिटी इतनी है। तो मैं चाहूँगा जिस तरह से किसानों के लिए आपने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तबका है, बहुत घर जुड़े हैं इसके, बल्कि तो इनके लिए भी कोई ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम होनी चाहिए। इस वक्त आप वो जो 1000 आप विडोज को देते हैं या ओल्ड एज पेंशन है या वो ऑर्फन को देते हैं, उसको इन्हांस करके मैं कहूँगा, हाथ जोड़ के इसमें विनती करूँगा कि गवर्नर इंतजामिया उसको 1000 से 3000 की कोशिश कर ले, वो कर दे, जिससे कि बहुत हद तक वो जो लोग आज अपनी डाइवोर्स डॉटर्स भी हैं जो अपने फैमिलीज में आकर रह रही हैं, उनके बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, उनकी भी पेंशंस हैं, अगर उनको इन्हांस कर देंगे बहुत हद तक ये वनरेबल जो क्लास है इसको रिलीफ हो जाएगा। ये थे एडवोकेट तजिंदर सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसमें उन्होंने गवर्नर इंतजामिया के लिए गए थ्री टायर एस्टेब्लिश फैसले का खैर मकदम किया, वहीं पर गवर्नर इंतजामिया पर तरक्की के हवाले से और काम करने पर जोर दिया। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़। ये लिंक रूट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैंपस भी जाता है और ये जो सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम के लिए उसको खोदा गया था बैक इन 2017 और तब से करीब 4.5 साल होने को आ गए और इसमें द एडमिनिस्ट्रेशन इन स्लीप स्लम्बर और आवर डिस्प्यूट जो हमारे रिमाइंडर से टू द एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ तो उसके बाद हम बहुत ही मजबूर हो गए मीडिया को कॉल करने के लिए सो दैट हमारा इशू एड्रेस हो जाए। आप देख सकते हैं कि जब ये स्टार्ट हुआ था, ये जो सेंट्रल कश्मीर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था बहुत ही बिगनिंग टाइम से बैक इन 2017, आप कोचिंग की हालत भी आप मीडिया के जरिए दिखा सकते हैं इसकी क्या हालत है। आवर चिल्ड्रन और एल्डरली जो हमारे बहुत ही सफर करते हैं डे इन डे आउट और हमारे बच्चे इस कोचिंग में चल नहीं पा रहे हैं और अब एज यू नो विंटर इज अप्रोचिंग, उसमें भी बहुत सारा फिर जब व्हेन इट इज स्नोइंग व्हेन इट इज रेनिंग इट एट मिजरीज टू आवर लाइफ ऑल्सो। हमारी डिमांड यही है कि इस कोचिंग को जल्द से जल्द मैग्नमाइज किया जाए ताकि जो हमारी मिजरेबल लोकल जो पीपल यहाँ पे उनकी खत्म हो जाए और विल बी हेल्प थैंकफुल गाइड। अनंत नाग कस्बे के सरन इलाके के रहायशियों ने पीर को जिला इंतजामिया अनंत नाग के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरीन का कहना था कि इनके इलाके की लिंक सड़कें और बाईलाइन 2017 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए खोदे गए, लेकिन मनसूबे की तकमील के बाद म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने लिंक सड़कों और गलियों की मरम्मत नहीं की, जिसकी वजह से सड़कों की हालत मजीद खराब हो गई और बाईलेनिस की खराब हालत की वजह से रहायशियों को तकलीफ महसूस हो रही है। उनका कहना था कि खराब निकासी अब के निज़ाम में उनके इलाके को गंदगी और बदबू से दोचार कर दिया है, लेकिन नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग की अदम तवज्जो की वजह से नाकामी का मनसूबा है। JK 24/7 के लिए मैं अनंतनाग से शाह जुनैद। मैं गुलाम मोहिद्दीन सोफी, मैं पटन का रहने वाला हूँ। हम BMO पटन और SDM पटन के बहुत मशहूर है
के जुनून है। वैक्सीन के लिए जो मुहिम चालू की है, हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाब मुहिम है। इस यही एक रास्ता है जो इंसान को बचाने के लिए, एक तो वैक्सीन है, दूसरा तो मास्क लगाना है। मगर हम हमको ये देखकर बहुत खुशी हुई है आज कि ये इन्होंने आर्डर निकाल कर फिर दुकानदार के पास जाकर उनको वैक्सीन कराया। ये इससे ये फायदा ये होगा कि हम इस मौलिक बीमारी से बच सके। एमओ साहिबा से और एसडीएम पटन से साहिब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये मुहिम जारी रखें ताकि ये दुकानदार और जो भी सिविल आदमी है जो इसका फायदा उठाए और इस मौलिक बीमारी से निजात हासिल कर सके। हाँ जी, हमारी ये जो रोड है इसको कम से कम 12 साल हो गए जी, तो इसकी 12 साल में कोई इसको मरम्मत नहीं हुई जी, लेकिन हम लोग यहाँ से चल भी नहीं सकते हैं। तो इसकी आप खुद देखो हालात क्या है इस रोड की। तो इसको कम से कम कोई मतलब गवर्नमेंट कोई अदारा इसको गौर नहीं कर सकता है जी। तो आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ इंसान चल भी नहीं सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी कोई तवज्जा यहाँ नहीं दे रही है सर। तो आप खुद भी देख सकते हो कि कितने साल हो गए यहाँ, लेकिन हम इधर चल भी नहीं सकते हैं जी। तो इसकी देखो इधर से नाला भी आ रहे हैं और नाले में देखो कितनी इसको मलबा भी आ रहा है, लेकिन यहाँ लोग चल भी नहीं सकते हैं। तो इसमें देखो इसकी गवर्नमेंट कोई तवज्जा नहीं दे रही है। आज कम से कम 10 या 12 साल हो गए, लेकिन इसमें कोई तवज्जा नहीं दे सकते हैं। तो हमारी बहुत दूर दराज इलाके लोलाओ में आवाम ने इंतजाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना कि गुजरात इलाके में सर्वे की हालत काबिल तबे है, लेकिन ना हुकूमत ने कभी इसकी तरफ ध्यान दिया और ना ही गवर्नर इंतजामिया ने इन्हीं के लिए कुछ इंतजाम कर रही है। उनका कहना है कि बरसों से इलाके की तरफ जाने वाली सड़क खस्ता है और आवाम मुश्किल से दो चार है। उन्होंने कहा कि अगर इंतजामिया इस मामले में जल्द इकदाम नहीं करेगी तो ये लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कार्यक्रम में किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से अब अपनी जनाधार को बटोरने की कोशिशें भी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को बड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जम्मू संभाग की ही कमान नहीं संभाली, पूरे कश्मीर संभाग की भी, और साथ ही साथ जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने एज अ एडवाइजर भी उनके साथ काम किया, तो जाहिर तरीके से एक सवालिय निशान जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है कि एक सीनियर लीडर अगर पार्टी से किनारा करता है तो कहीं ना कहीं पार्टी बिखरती हुई जरूर नजर आएगी। आपने साफ सुना कि सनम का क्या कुछ कहना था, कि अटकलें वहां पर यह भी लगाई जा रही हैं कि कुछ और भी नेता हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बाहर जा सकते हैं और बहुत ही जल्द किसी और पार्टी का दामन थाप सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा जाता है तो जाहिर तरीके से नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा और कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।